मार्जिन बीच और आज मौसम जबरदस्त हो रखा है। हेलो अभी गाइस देखो, देख रहे हो ये चीज, ये कितना नुकसान दे सकता है किसी को। इन लोगों को भारत रत्न जरूर मिलना चाहिए। हमें समझ नहीं आ रहा है हम चीयर्स करें या प्रणाम करें। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हमारा गोवा में डे 6। तो हम लोग नहा धो के रेडी हो गए थे, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कर लेते, आज भी थोड़ा सा लेट हो गया उठने में, लेकिन कल के मुताबिक आज जल्दी ही उठ गए थे। तो फिलहाल अभी हम लोग नहा धो लिए हैं, ब्रेकफास्ट हो ही गया था, तैयार हो रहे हैं, बाहर निकलते हैं और पहुँचते हैं बीच। हम लोग जा रहे हैं वेगेटर बीच और मॉर्जिन बीच। तो पहले मॉर्जिन बीच जाएंगे, वहाँ से फिर अगर टाइम रहेगा तो फिर वेगेटर आएंगे, क्योंकि वेगेटर पर क्या हिल व्यू है, नीचे उतर के जाना था। वहाँ पर अगर मतलब अगर ओपन होगा बीच तो जाएंगे, क्योंकि वो नीचे सीढ़ियों के जाओ ना, फिर वहाँ पे जितनी हैपनिंग नहीं थी। पिछली बार आए थे तो बारिश बहुत थी तो वहाँ पे जा नहीं पाए। इस बार बारिश का में तो हो सकता है वो भी ओपन हो, उस तरह से लोग जा रहे होंगे, तो फिर वहाँ देखेंगे। तो पहले मॉर्जिन बीच चलेंगे, क्योंकि मॉर्जिन बीच बहुत सही है। वो दिन आरम बोल गए थे, सोच रहे थे उस दिन मॉर्जिन बोल लेंगे, फिर वहाँ इतना अच्छा लगा कि वहीं टाइम स्पेंड किया। आज मॉर्जिन चलते हैं, मॉर्जिन से फिर वहाँ देखेंगे और कौन से बीच जाते हैं। तो फिलहाल अभी 2 बज रहा है, क्योंकि हम लोग बीच में एडिटिंग वगैरह भी कर रहे थे, थोड़ा सा रह गया था, पेंडिंग रह गया था, वो सब में थोड़ा टाइम लग गया और बाहर धूप भी बहुत तेज हो रही थी। मैंने कहा चलो थोड़ा अभी और निकलता है, अभी करते 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 टाइम हो गया, तो फटाफट से निकलते हैं, स्कूटी उठाते हैं और चलते हैं, मिलते हैं रास्ते में। फिलहाल यहाँ पर व्यू मस्त आ रहा है भाई, मतलब वर्ड नहीं है, कैमरे में कितना समझ में आ रहा है पता नहीं, लेकिन रियल में बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ ये तो है, कैमरा जस्टिफाई तो नहीं कर पाएगा। अच्छा ये है ना, आज मौसम भी बहुत बढ़िया था, थोड़ा सा अंधेरा जल्दी ऐसा लगा जैसे अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है, और बहुत प्लेजेंट वेदर है। आगे उधर देखो बीच की मतलब समुंदर की आवाज़ आ रही होगी, पता नहीं आ रही नहीं आ रही है, यहाँ से सुनाई दे रही है। हम लोग पहली बार इस तरफ आए, हम लोग पिछली बार आए थे ना तो बहुत बारिश थी तो उस तरफ से आए थे। इस बार ये वाला रोड देखा तो साइड से ये पूरी लेक है, ये नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि ये बीच टाइप लग रहा है, मतलब समुंदर तो उधर है लेकिन मेरे ख्याल से ये ऐसे सीधा इधर इधर ही इधर जा रहा होगा। वो बीच में ना वो सैंड है जो मुझे ऐसा नहीं है, वो नदियों के बीच में निकल आती जगह ऐसा ही है, यहाँ पानी ठहरा हुआ है, आगे से आ रहा होगा ये नदी होगी कोई जो उसमें जाके मिल रही होगी, ये बीच नहीं है सॉरी, ये ऐसे नदी आ रही होगी कोई। मेरे ख्याल से यहाँ पे नदियों के नाम पर भी बीच हैं, जैसे बागा रिवर के नाम पर बागा बीच है और एक रिवर और थी उसके नाम पर भी बीच था। चलो फिलहाल आगे बीच पर मिलते हैं, पहले देखते कुछ खा लेते हैं, अब थोड़ा भूख लगने लग गई है, क्योंकि अगर रेस्टोरेंट होगा अवेलेबल या कोई कैफ़े वगैरह होगा तो वहीं रुकते हैं खाते हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं कैफ़े, यहाँ पे कुछ खाते पीते हैं, क्योंकि मैडम को भूख लग रही थी। पास में ही है, 10-15 मिनट के बाद यहाँ पे बीच आ जाएगा, मतलब 10 मिनट तो अभी कुछ मंगाते हैं, ऑर्डर करते हैं। पर यहाँ पर हम लोगों ने ऑर्डर किए चाय और बहुत ही सुंदर तरीके से सर्व की गई है मैगी, मैगी विद सूप, बाउल्स में हमें प्रोवाइड की गई है मैगी। तुम लोग कैसे है? सूपी मैगी, सूपी मैगी खा रहे हैं, तो चलो मैगी इंजॉय करते हैं। तो फाइनली गाइस हम लोग आ गए हैं मॉर्जिन बीच और आज मौसम जबरदस्त हो रखा है, बता नहीं सकते कि कितना मस्त मौसम हो रखा है। और जहाँ तक मुझे पता है बारिश तो आज मिलनी है, तो आज हम भीगेंगे, क्योंकि रेन कवर तो हमने रेनकोट तो रख लिए हैं, लेकिन उससे कितना ही बचाव होता है, जब तक पहनेंगे तब तक भीगे जाएंगे। हल्की हल्की बौछार आ रही हैं, पिछली बार भी मौसम अच्छा था, बारिश हो रही थी, हम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी टाइम स्पेंड किया था, रुक रुक के बारिश होती है। सोनिया को जहाँ बच्चे देखते हैं क्यूट से वो वहाँ पहुँच जाती है। अभी वो रशियन है, पिछली बार हमने 2 बेटी देखी थी, छोटी छोटी ट्विन्स थी, बहुत सुंदर, और सोनिया को बहुत क्रेज, सोनिया बोलती है एक को गोद ले लेते हैं, मैंने कहा रहने दो। अब देखो वो उनके साथ फ़ोटो खिंचाएगी और होता है लगाव हो जाता है। Moscow. Okay. You're from Moscow. Capital of Russia. Capital of Russia. We. I think please. Okay. Receive you. Which business? We need to. No.
You're running a business. Cloth business? मैंने कहा था ना कि जहाँ इसको छोटी छोटी बच्चियाँ दिखेंगी ये तुरंत पहुंच जाए। लास्ट टाइम भी आए थे तो दो वो रशियन थी ना, वो छोटी छोटी थी। ये मॉस्को से आई थी, बहुत ही प्रेटी गर्ल थी। इनको थोड़ा सा हम लोग को भी, इन लोग को भी थोड़ा सा लैंग्वेज इशू था। मैंने गूगल ट्रांसलेट भी यूज़ किया लेकिन वो बिल्कुल प्रॉपर रशियन ही उनको आ रही थी। कुछ कुछ सर्टन वर्ड्स थे जो इंग्लिश में बोल पा रही थी, तो हमने उनका नाम पूछा। तो जैसा आपने सुना होगा, लुका एंड अलेक्जेंड्रो। क्लियर मैं अभी भी नहीं हूँ। लुका एलेक्जेंड्रो वो ये कह रही है। एलेक्स भी था ना, तो शायद मेरे ख्याल से इसमें एक का नाम एलेक्स है, एक का नाम लुका है, तो दोनों का लुका अलेक्जेंड्रा ऐसे करके नाम बता रहे थे। बहुत प्रेटी थी। थोड़ा बहुत हम लोगों ने थोड़ा सा एक छोटा सा कन्वर्जन किया, समझने की कोशिश की। उनको थोड़ा सा, उनको इंग्लिश तो नहीं आती, प्रॉपर रशियन ही आती क्योंकि वो ग्रैनी है। अब मैं उससे ज़्यादा पूछता तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। कुछ बिजनेस की बारे बता रही थी वो। बाकी हमने पूछा हाउ इज़ इंडिया, तो बोले इंडिया इज़ गुड, परफेक्ट, मतलब अपने साइन में कि हाँ इंडिया इज़ गुड, वेरी गुड। तो चलो फिलहाल यहाँ पे थोड़ी देर एक्सप्लोर करते हैं। सोनिया तो गई और हवा में आवाज़ उतनी क्लियर आएगी नहीं, पर वो दूर देखो कि तो वहाँ पे बारिश हो रही है उस जगह। थोड़ी देर में यहाँ पे आज बारिश मिल जाएगी। ये बीच भी ज़्यादा क्राउड ही नहीं है, लेस क्राउड ही है। अच्छा, जब मैं आपको रिवर बता रहा था वो उधर बीच नहीं है, ये रिवर आ रही चपोरा, वो सामने चपोरा हिल्स है। ये देखो सामने चपोरा, हाँ ये सारा चपोरा हिल्स है। चपोरा पोर्ट जो है ना, आप इसी पर आओगे, इन जो हिल्स है ना इनके उस साइड में वेगटर बीच है। और ये जो पूरी जा रही है ये चपोरा रिवर है, उधर से आ रही है, ये इसमें मिल जाती है आकर के। वहाँ मैं आपको बता रहा था ना कि बीच है, पर वो बीच नहीं है। उधर इस साइड में टर्टल नेस्टिंग एरिया है, इधर यहाँ पे टर्टल बीच कहते हैं इसको, इस तरीके से यहाँ पे टर्टल नेस्टिंग होती है। टर्टल बहुत आते हैं, इनका कोई सीज़न होता है, यहाँ पर आके वो अंडे वंडे देते हैं और उनका एक प्रॉपर सीज़न होता है। अभी तो बारिश नहीं मिल रही है, दूर वो बारिश दिख रही है और थोड़ी देर में यहाँ पे लगभग 15-20 आधा घंटे बारिश आ जाएगी। तो सोनिया तो लग गई अपना चिल आउट करने में। मैं अभी लग जाता हूँ चिल आउट करने में। इस बार हम ट्राइपॉड यहाँ पर नहीं लेकर के आए क्योंकि हवा से क्या होता है ना, कभी कभी बीच में अगर पानी के पास रखते हैं ना तो गिरने का डर रहता है, तो क्यों ही रिस्क लेना। और फालतू में फ़ोन वोन भीग जाए, वैसे तो आईफोन है, वाटर रेसिस्टेंट है, लेकिन रिस्क नहीं लेंगे। यहाँ भी पाव स्लिप हो गया मट्टी में भी। कमाल करते हो दोस्त, कमाल करते हो। इतनी मट्टी में ही पावर स्लिप होगा तो कहाँ कौन से सरफेस पे तुम्हारा पावर स्लिप नहीं होता। मुझे पता है अब तू ना उसी का वो गाते रहोगी। लेकिन वो ठीक, एक काम करते हैं, प्लान करते हैं, एक को मैं लेके भाग तो एक को तू लेके भाग। अरे इतनी क्यूट है यार, क्या ही बोले। पिछली बार जो ट्विंस थी वो तो बड़ी भी थी, बड़ी भी थी, मेरे ख्याल से वो 11 या 12 पर वो बड़ी थी, लेकिन बहुत प्यारी थी। अगर मेरे पास वो फोटो होगी ना तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, बहुत प्यारी थी। हाँ बहुत प्यारी थी। हम लोग ये सोचते हैं एक को तू डाले एक को मैं उठा लेता हूँ, क्या करेंगे यार। चल प्लान को एक्सिक्यूट करते हैं। ग्रैनी को बोलते हैं ग्रैनी आप रशिया हिंदी को गूगल ट्रांसलेट में यूज़ करो, तथा हम 9-11 हो जाते हैं। चलो जो सपाट मैं जानता हूँ बच्चे आ गया। इस बार पानी, मतलब हर जगह मानसून इस बार कम रहा ना, खास तौर से यहाँ पे, नहीं तो बहुत तेज बारिश आती है, भागना पड़ता है। आज भी हमें लग रहा है कि बारिश में भीगेंगे क्योंकि सामने से बारिश है, उधर खाली है, लेकिन इधर पूरा बारिश का हो चुका है, पूरा दूर बारिश हो भी रही क्योंकि यहाँ पे लहरों के साथ साथ हवा आ रही है और हवा के साथ छींटे।
गाइस देखो, देख रहे हो ये चीज, ये कितना नुकसान दे सकता है किसी को। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता कौन चमन ऐसे लोग आते हैं जो बॉटल तोड़ ओड़ के फेंकते हैं ताकि किसी को चोट लग जाए। ये देख लो, मुझे दिख गया, मैं पानी में तैरता तैरता आ गया। मैंने कहा किसी का पैर पड़ेगा, इसलिए जाओ उसको उठा करके पीछे ही फेंक देता हूँ, ताकि अब इधर तो कहीं फेंकोगे तो कहीं किसी लग जाए। इसलिए मैं सोचा प्रॉपर चल के आऊँ, ज़्यादा दूर नहीं पर यहाँ पे इसको फेंक देता हूँ ताकि किसी के लगे नहीं पैर में। लेकिन ये चीज़ गलत है यार, आप आ रहे हो ऐसे बॉटलें वगैरह आपको पीने का इतना शौक है तो अपने रूम में पियो, पब में पियो, बाहर में पियो, सब जगह पियो, लेकिन ऐसी हरकतें मत करो यार। एनवायरनमेंट को गंदा मत करो, प्लस दूसरे को नुकसान मत पहुँचाओ कि किसी को नुकसान हो। वो वहाँ पे बगल में सोनिया को चोट लग सकती थी, कोई आ रहा हो उसको भी चोट लग सकती थी, इवन आपको भी कभी ऐसे गलती से चोट लग सकती थी। बीच पे ऐसे सब बॉटल वगैरह मत देखो, तोड़ के मत देखो, कैसे भी मत देखो। डस्टबिन हर जगह बनाए हुए हैं, पढ़े लिखे हो नहीं भी पढ़े लिखे हो तो डस्टबिन का मतलब समझ में आता होगा गाइस। ऐसी हरकतें अच्छी नहीं लगती। और आपको भी अगर ऐसी कोई चीज़ पड़ी मिले तो प्लीज़ उठा करके उनको कहीं ऐसी जगह डाल दो जहाँ से वो वापस पानी में ना जाए और उससे किसी को चोट भी ना लगे। हम्बल रिक्वेस्ट है यार, पहली चीज़ तो कोई भी ऐसा करे ना, और ऐसी चीज़ें दिखे तो उनको कहीं डस्टबिन में डाल दो। मज़ा आ रहा है यार, बहुत मस्त मौसम हो गया है, बारिश अभी तक तो नहीं मिली है, लेकिन अगर मिलेगी तो भाई पूरा भीग जाएंगे। रेन कवर निकालते निकालते तब तक पूरा भिगा देगी, क्योंकि एकदम से आती है बारिश अचानक से। चलो सोनिया देखो वहाँ पे कोस्ट गार्ड से बात कर रही है, पता नहीं क्या ही बोल रही होगी कि मैं आगे जाऊँ शॉर्ट खींचाने, जब कुछ होगा तो आप मुझे बचा लेना। ये देखो लगी हुई है ये, पता नहीं क्या ही जाके पूछता हूँ कि क्या ही बात कर रही है, क्या कर रही है, इसे पानी भरेगी, ये क्या गड्ढा खोद रही है अभी। देखो किसे पानी आएगा नहीं आएगा, उतरंग रहते तो भर जाएगा, नहीं भरेगा, पानी से देखूंगी आएगा नहीं आएगा। वाह, ये दिमाग आया कहाँ से आएगा। कितने रुपए के बैट लगा ली, मेरे पास छुट्टे नहीं है, रहने तो मत करो सोनिया, मत करो रहने तो, अच्छा नहीं रहता ना बीच पे, क्या कर रही हो, प्रकृति को छेड़ो मत। और यार लो आ गया, लो 100 रुपए दे, 100 रुपए दे, 100 रुपए, बैठ हार गई है, 100 रुपए दे, 100 रुपए दे, पहले तो ला 100 रुपए दे, पानी आया और चला भी गया। कोई नहीं, पेटीएम कर दे, डिजिटल का जमाना, पेटीएम ही कर दे, ये नंबर पूछेगी, धक्का दे दूंगा अभी। कौन सा किला बना रही है, हाँ अपना विला, बहुत बढ़िया, मॉर्निंग बीच पर अपना विला। ये गीली रेत है, रुकेगा ही नहीं, सूखा रेत का बनता है। आर्किटेक्ट नहीं पढ़ा ना तुमने, इंजीनियरिंग तो की नहीं है तुमने, चल ठीक है बना दे, मैं चप्पल क्यों दूंगा, ना ना बिल्कुल नहीं, वॉच बचा के पता लगा, टीम कुक को बोलना पड़ रहा है कि हमारी वॉच रेते में डूब रही है। हाँ बन गया, आज तो बन गया, और एक विंडो दे देना, सनसेट देखना है मुझे, यहाँ से सनसेट देखना है, धक्का दे दूंगा ना। देखो क्या ही है, क्या कर रही है ये, क्या कर रही है ये लड़की, क्या कर रही है, बावरी पूछ, बावरी हो गई यहाँ पे आके, थोड़ा और आगे चले जाओ फिर तुम, बस बस आ जाओ, भागो 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 भागो, गया हमारा विला, गया फ्लड, फ्लड आ गई, फ्लड आ गई भाई, हमारा विला चला गया, अभी तो अंडर कंस्ट्रक्शन था, रिनोवेट भी नहीं कर पाए थे, चला गया एमसीडी की रेट पर, लो भाई गया विला, गया विला पानी में। और वो वहाँ पे उड़ रहा है ड्रोन, एक ड्रोन खरीदेंगे भाई, वो उड़ रहा है,
ड्रोन शॉट अच्छे ड्रोन से भी अच्छे आते हैं गाइस। फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो ताकि हम लोग जल्दी से एक ड्रोन खरीद लें बढ़िया वाला। ये सस्ता मस्ता तो नहीं खरीदेंगे, अच्छा काटेंगे ताकि बढ़िया पोज आए। वो देखो वहाँ पे स्विमिंग चल रही है, कोस्ट गार्ड को लगता है अभी दिखे नहीं है भाई साहब, तभी सीटी बजने लग जाती। हमारा ड्रोन शॉट है भाई, गाइस लाइक कर देना। सस्ता वाला ड्रोन ले लिया था हमने, हमने ऐसे ड्रोन बना लिया। हम लोग बीच से निकल गए तो रास्ते में ये लोकेशन दिखी, ऐसा लग रहा था पूरा ऊटी का फील आ रहा है। घने घने पेड़ हैं ये, उनके बीच में देखो यहाँ पे वो गाना चल रहा होगा, आपके प्यार में हम जीने मरने लगे। सही लगा, बिल्कुल वैसी फीलिंग आ रही है थोड़ी। सामने बीच ना दिखे ना और दूर तो यही पेड़ हो तो वैसे ही लगेगा सीधा। क्या कहती है सोनिया, है ना? ऊटी वाली फीलिंग आ रही है। पर ये कि सामने बीच दिखने लग रहा है ना तो ऊटी नहीं लग रहा, नहीं तो ऐसे देखोगे तो लगेगा उधर सनसेट हो रहा है और कितना बढ़िया व्यू आ रहा है। सही है यार। तो गाइस ये देखो, दो महापुरुषों ने अपना बड़ा उच्चतम महत्वपूर्ण योगदान दिया है पर्यावरण को खराब करने के लिए। इन लोगों को भारत रत्न जरूर मिलना चाहिए जो ऐसे पर्यावरण को ख़राब करते हैं, ऐसी हरकतें करते हैं। पता नहीं इनको क्या मज़ा आता है इसमें, ऐसे कितना अचीवमेंट लगता है उनको खुद में, है ना? ऐसे पर्यावरण को ख़राब नहीं करना चाहिए। ठंडी ठंडी हवा आ रही है, आराम से नेचर का एंजॉय करो, मज़ा लो, नेचर को हार्म मत करो और ऐसी छीछा लेदर मत करो। तो गाइस हमें यहाँ पे ऊटी की शूटिंग की लोकेशन मिल गई और हम लोग ऊटी आ गए। सामने बीच पे ध्यान मत देना, हम ऊटी में हैं, हम गोवा नहीं, हम ऊटी में हैं, क्योंकि हमें यहाँ लोकेशन इतनी मस्त मिल गई। ये देखो चारों तरफ ऐसे ऐसे पेड़ लगे हैं कि कितने अच्छे लग रहे हैं। पीछे देख रहे हो कितने सही सही पेड़ लगे हुए हैं, बहुत अच्छी वाइब आ रही है यहाँ पर। ऐसा लग रहा है बिल्कुल कहाँ आ गए, उधर सनसेट हो रहा है, पूरा बीच है और इधर हम अगल बगल, ये पीछे बहुत सही पेड़ लग रहे हैं। ये देखो कैसा सही लग रहा है, नहीं रुका ही नहीं गया। सुनने वाले यहाँ पे कुछ शॉर्ट्स बनाते हैं, पिक्स लेते हैं, पिक्स तो थोड़ी डार्क आ रही है लेकिन यहाँ पे देखो मस्त, ये अच्छी लोकेशन लगी, एक तरह से नई एक्सप्लोर कर ली हमने अपने लिए। लोग तो यहाँ पर जाते रहते लेकिन हमें बहुत अच्छी लगी, सारा बीच एक्सेस ही है, मतलब लोग ज़्यादातर यहाँ से नहीं निकलते लेकिन A1 है। हम लोग आ गए हैं अपने होटल रूम, आ गए अभी मंगाई चाय पीते हैं। और भाई आंखें देख रहे हो कितनी लाल हो गई हैं, बिना हेलमेट के आप चला नहीं सकते, रात में आप गॉगल्स यूज़ नहीं कर सकते भाई, आंखें कल लागें क्योंकि रात होती है, शाम होती है तो कीड़े वगैरह उड़ने लग जाते हैं और थोड़ी दस्त तो होती है कहीं भी हो, तो वही सब ना आऊँगा इतना। अभी आंखें धोई हैं, नीचे धो ली थी बहुत ज़्यादा लाल हो रखी थी, अभी भी देख रहे हो तो कल्ला आ रही है बहुत, क्योंकि इतनी आदत नहीं है बाइक राइड करने की, हेलमेट लगाने की और ये सब। गॉगल्स लगा भी लो तो शाम तक ना थोड़ा साइड साइड से हवा जाती है और फिर जैसे जैसे अंधेरा होता है तो गॉगल्स हटाना पड़ता है फिर तो, और हेलमेट का अगर वाइजर क्लोज करो तो सामने दिखता ही नहीं है, मतलब सामने अगर लाइट पड़ती ना तो अंदर दिखता नहीं, साफ नहीं होता ना, इसलिए लगा नहीं पाए। तो बड़ा अभी फिर से धोऊंगा थोड़ा ठंडे पानी से, उसके बाद चाय पियेंगे, थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, रेस्ट करते हैं थोड़ी देर। वैसे अभी बज रहे हैं 9, अभी लग रही है भूख तो जा रहे हैं डिनर करने। बाहर तो वैसे वो प्रोग्राम चल रहा है, अच्छा खासा डीजे लगा ही रखा है तो वो परफॉर्मेंस चल रही है बढ़िया अपनी। वहाँ पे इन्होंने शायद एक बैली डांसर बुला रखी है, रशियन है, तो वो वही जो गाने चल रहे हैं उन पर परफॉर्म कर रही है, बीच बीच में इन्जॉयमेंट चल रहा है, एंटरटेनमेंट चल रहा है। तो फिलहाल अभी भूख लग रही है, चलते हैं बाहर डिनर करके आते हैं, उसके बाद अपना एडिटिंग वगैरह करेंगे, काम वगैरह करेंगे, कंप्लीट हो जाए उसके बाद से।
तो गाइस अभी हम आए एक रेस्टोरेंट, सोचा यहीं खाते हैं, दूसरा चेंज करते हैं। हमें कुछ पसंद आया था ना, हम बार बार वहाँ जाते हैं, लेकिन आज हमने सोचा चलो आज कुछ अलग दूसरे रेस्टोरेंट में चलते हैं। तो अभी हमने खाना मंगाया, खाना आ जाए, फिर खाना खाते हैं, फिर निकलते हैं। और मज़े की बात यह कि बाहर ना स्कूटी पर ठंडा लग रहा था, ये बाहर कुकड़ी जा रही थी, फिर हम लोग बाहर बैठे, पहले तो एसी में आया, एसी बहुत अंदर चिल था, हमने कहा यार बाहर ही बैठते हैं, फिर हमने कहा यार एसी कम कर दो, अंदर ही बैठ लेते हैं, बाहर थोड़ी स्मेल सी आ रही थी, तो हमने कहा चलो अंदर बैठते हैं। तो बाल्टी गिरनी नहीं चाहिए, पता चला बाल्टी फैला दो। महक आ रही है, जो भी हो अच्छी लगती है। तो ये आ गई अपनी गोभी आलू, भाई दाल दाल ना खाए तो हमारा पेट नहीं भरता, खासतौर से मेरा, ये तो ना भी खाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा पेट नहीं भरता। रोटी आ गई, गोभी आलू, तुम्हारा राइस नहीं आया सुनिया, हाँ डाल दो, बचना नहीं है। आ गए भाई अपने रूम, दबा के खा लिया, खाना थोड़ा सा वहाँ का ज़्यादा खास नहीं लगा मुझे, वो कहते हैं ना बेवफाई नहीं करनी चाहिए, तीन चार दिन से वहीं खा रहे थे, आज उसे ट्राई करने चले कि क्या वहाँ का खा के देखते हैं, आ गया स्वाद। और बाहर चल रहा भाई म्यूज़िक वगैरह, हड़दम वगैरह, मैडम डांस वांस करके आ गई, मैं ऊपर आ गया, अब करते हैं अपनी एडिटिंग वगैरह, थोड़ा खाना टहलते हैं, ये खाना वाना बचाते हैं, एडिटिंग वेडिटिंग करते हैं थोड़ी देर। तो गाइस हम लोग आज लगभग 6 दिन तो हो गए हैं, हमने रिटर्न की फ्लाइट नहीं डाली थी क्योंकि हम हमेशा एक्सटेंड करते हैं, तो कई बार हमें क्या होता है कि जब हम डेट एक्सटेंड करते हैं तो फ्लाइट एक्सटेंड नहीं हो पाती, क्योंकि या तो वो हम कैंसिल करते हैं, इसमें कुछ अगर 10,000-11,000 की फ़्लाइट होती है तो 2,500-3,000 रुपये वापस आते हैं, और अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो फिर वही 3,500-3,000 रुपये कुछ डेट चेंजेस चार्जेस देने होते हैं। तो अभी हमने फ्लाइट तो डाली नहीं है, तो हम वही डिसाइड कर रहे थे कि फ़्लाइट डाल देते हैं। मैं देख रहा था कि गोवा में दूसरा नॉर्थ का एयरपोर्ट भी फंक्शनल हो गया है, वहाँ से अकासा की फ़्लाइट लेते हैं इस बार, अकासा का देखते हैं कि कैसा उसकी फ़्लाइट रहती है, क्या क्या मतलब कैसा उन्होंने अपना बनाया हुआ है, तो सोच रहे थे वो चेकआउट करेंगे, लेकिन अभी डिसाइडेड नहीं है कि हम अकासा का करेंगे, क्योंकि अकासा की ज़्यादातर फ़्लाइट मेरे ज़्यादातर नहीं सारी फ़्लाइट गोवा नॉर्थ से ही हैं, दो एयरपोर्ट हैं, एक तो डबोलेम एयरपोर्ट हो गया साउथ में, और एक नॉर्थ गोवा इधर हो गया है मापुसा से आगे जा करके, तो देखते हैं अगर वहाँ से जाएंगे तो डेफिनेटली अकासा की फ़्लाइट लेंगे, अगर हम डबोलेम से जाएंगे तो फिर तो एयर एशिया या जो भी अपने टाइम के कन्वीनियंटली जो मिल जाएगी। अगर अकासा से गया तो मैं अकासा का आपका रिव्यू बताऊँगा कि कैसी रही फ्लाइट और कैसी रही, क्योंकि मुझे भी देखना है, क्योंकि अभी तक मैं तो बैठा नहीं हूँ अकासा में, देखते हैं वो आपको आगे आने वीडियोस में पता चलेगा। तो गाइस इस बार गोवा की हवा ना कुछ अजीब सी है, वेदर तो अलग सा हो ही रखा है पर थोड़ी सी हवा भी अजीब सी है, अभी ऐसा क्यों कहा है मैंने अभी मैं बताता हूँ। अब दो क्लिप देखो, ये जो क्लिप देख रहे हो इसमें चल रहा है वैली डांस, तो ताबड़तोड़ वैली डांस चल रहा है, हर नोरा फतेह के आलमोस्ट सारे गानों पर डांस चल रहा है, पर अब ये वाली क्लिप देखो इसमें चल रही है ढोलक और भजन, अब समझ नहीं आ रहा है कि ये चल क्या रहा है यार, ये इस बार होटल में ना अतरंगी लोग दिख रहे हैं, अब या तो गोवा में आएगा तो आदमी चिल आउट करने आता है, गोवा फेमस किस लिए है, बियर मतलब पीने पाने खाने पीने घूमने इंजॉय करने के लिए, अब यहाँ आकर कोई भजन करे तो कितना स्ट्रेंज है, क्योंकि देखा ही नहीं कभी यहाँ आसपास कहीं भजन होते हुए देखा ही नहीं है, मंदिरों को छोड़ के, मंदिरों तो ऑब्वियस है वहाँ तो भजन कीर्तन चलता रहता है, अरे होटल में यार कभी बेली डांस चल रहा है, थोड़ी देर बाद भजन चल रहा है, यार हमें समझ नहीं आ रहा है हम चीयर्स करें या प्रणाम करें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है भाई, अलग ही हवा हो रखी इस बार गोवा की। सोनिया अच्छी चाय बना लेना, ऐसा ना उठा के कुछ ही बना दो, कॉफी तो तुमने बनाई नहीं, रखी होगी तब भी नहीं बनाई है, कॉफी नहीं तो बनाई है, देख रहे हो दोस्तों, चाय पीने कॉफ़ी बनाने के लिए क्या बोल दिया था, कहीं चाय है क्योंकि अपना भी पीना ना, अपना भी कॉफ़ी पीने का मन नहीं होगा, हाँ चीनी ज़्यादा मत डाल देना, मैं सब देख रहा हूँ यहाँ से, बन गई वहाँ क्यों पीऊँगा यहीं पीऊँगा, जल्दी ले आओ, आ जाओ मुन्ना मेरे, आ जाओ बहुत चीनी डाली तुमने, बस बस सारे सैसे डाल देना आज तुम, आओ ठाकुर आओ, आ जाओ जल्दी। तो गाइस ब्लॉग अपना एडिट कर लिया है, क्योंकि होटल का वाईफाई भी ठीक हो गया है, एक दो दिन से इशू आ रहा था, आज ठीक हो गया है, तो ये रात में लगा देंगे अपना, अपलोड भी हो जाएगा, तो मॉर्निंग में पब्लिश अपब्लिश जो भी है वो कर देंगे, अभी फिलहाल लगभग 2 बज गए, अभी चलते हैं सोने, तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर नहीं हो तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो,
और मिलते हैं कल आपसे नए व्लॉग। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, गुड नाइट, बाय बाय।